नमस्कार, मैं क्या आज बात करूंगा नीट पी 2024 के एडमिशन्स के बारे में। तो जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ एनआरआईसी जो अवेलेबल रहेंगी आपके लिए लोएस्ट बजट में, और साथ ही साथ मैं बात करूंगा मैनेजमेंट सीट्स जो कि आपकी लोएस्ट बजट में कहाँ पे और कौन से स्टेट्स में अवेलेबल रहेंगी, इसके बारे में बात करूँगा इसमें पूरी वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दें। मैं ऐसे ही एडमिशन वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अगर आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं MDMS DNB एंड NB डिप्लोमा, तो आप नीचे दी हेल्पलाइन नंबर ज़रूर मुझे कॉल करें। मैं क्या तो पूरी हेल्प करूँगा आपके एडमिशन्स लेने में इंडिया और साथ ही साथ नेपाल्स में। तो बात करेंगे हम ब्रांचेस, एडमिशन्स, स्टेट्स और क्या बजट आपका आपका होने वाला है, कौन से ब्रांच अगर आप कॉप करते हैं तो क्या आपका एक्सपेंडिचर जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। बात कर लेते हैं पहले उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी परसेंटाइल बहुत ज़्यादा कम है। मुझे काफ़ी कैंडिडेट्स के कॉल आ रहे हैं जिनकी परसेंटाइल 12, 16, 14, 6, 4, 1, ऐसे कैंडिडेट्स की भी कॉल मुझे आई हैं। वो मुझसे ये पूछ रहे हैं सर क्या हमें सीट्स मिल पाएंगी। मैं बता दूं आपको, सेकेंड राउंड के बाद शायद आपको 0% होता हुआ देखने को मिले, तो ज़रूर वेट करें। और अगर आप एडमिशन्स चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ NRI सीट्स ही अवेलेबल हो सकती हैं। और NRI सीट्स का प्रोसीजर क्या होगा, कितना बजट जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप रेडियो, डर्मा, ऑर्थोपेडिक्स जैसी ब्रांचेस को देख रहे हैं तो आपका बजट कम से कम 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ के बीच में होना चाहिए। और वहीं बात कर लूँ मैं अदर ब्रांचेस की, तो गाइनी मेडिसिन और आपकी रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इनका बजट आपका अप्रॉक्स 1.6 CR2 अप्रॉक्स 1.8-1.9 CR अप्रॉक्स होना चाहिए। वहीं बात कर लूँ मैं कि आपके जो अदर ब्रांचेस हैं सर्जरी, ENT, ऑप्थल, तो इनकी जो आपका इनका जो बजट आपका जो वैरी करेगा 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 40 तक आपका ये वैरी कर सकता है अगर आप NRI के सीट्स में इनको देखना चाहते हैं। अब स्टेट्स कौन कौन से हो सकते हैं मैं उसको स्टेट्स क्लियर कर देता हूँ। स्टेट्स रहने वाले हैं बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, अब कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ आपका पौंडीचेरी। अब कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन होगा उसके रिगार्डिंग आप नीचे मुझे कॉल कर सकते हैं। और फीस कैसे देनी है और NRI की सीट कैसे मिलेगी, काफ़ी चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग में आपको कॉल्स पर या फिर व्हाट्सएप भी आप मुझे करके जानकारी ले सकते हैं। हम बात कर ले हम लोग मैनेजमेंट सीट्स की जो कि लोएस्ट बजट्स में रहने वाली हैं। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट ईयर जब 0% हुई थी तो आपकी जो सीट्स थी रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, गाइनी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ये जैसी ब्रांचेस आपकी काफ़ी एक्सपेंसिव रेट्स में लास्ट ईयर आपको देखने को मिली। अप्रॉक्स 2 करोड़ 20 से जो कि 4 करोड़ 80 लाख तक भी वेरी की। तो मैं बता दूँ इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप NRI सीट्स लेना चाहते हैं इनकी फ़ीस आपको कॉलेजेस में 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख या 90 लाख पर ईयर भी देखने को मिल जाती हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट डोनेशन भी लेते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। हम बताएंगे आपको कि कैसे कॉलेजेस के NRI सीट पर सेटलमेंट होता है और क्या बजट आपको अप्रॉक्स पे करना पड़ सकता है। अगर बात कर लूँ मैनेजमेंट सीट्स की, तो आप जानते हैं मैनेजमेंट सीट्स का जो बजट है वो अप्रॉक्स आपका जो कि 50 लाख से स्टार्ट होता है और वो 65-70 लाख पर एनम पे जाके एंड होता है। अब मैनेजमेंट सीट्स किसको मिल सकती है, किस मिड रैंकर्स को मिल सकती है, या फिर आपकी जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो उनकी जो रैंक है अप्रॉक्स 1 लाख 10, 1 लाख 20 उन कैंडिडेट्स या फिर किनको ये सीट्स मिल सकती है, उसके रिगार्डिंग आप नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर मुझे कॉल करें। मैं क्या तो पूरी हेल्प करूँगा आपके लिए और बताऊँगा कि कौन सी ब्रांचेस आपके लिए कंफर्टेबल रहेंगी इजीली और किस रैंक तक आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा अगर आपका बजट है मैनेजमेंट सीट्स के लिए तो आप ज़रूर हमें कॉल करें, श्योरिटी के साथ हम आपको सीट्स प्रोवाइड कराएंगे। रेडियो, डर्मा, ऑर्थोपेडिक्स, मेडिसिन, गाइनी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और साथ ही साथ आपकी ऑप्थल, ENT और सर्जरी जैसे ब्रांचेस भी आपको हम ऑप्ट कराएंगे। और बात रही अब की जो बजट्स की, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपको कि लोएस्ट बजट में आपको एडमिशन्स करा पाऊँ ऑल ओवर इंडिया।
बात कर लूँ मैं कि आपको कैसे NRI सीट्स मिलेंगी, तो उसके रिगार्डिंग आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अगर आपको लग सकते हैं NRI डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, उसके रिगार्डिंग में आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपके पास स्पॉन्सर अवेलेबल है तो।